हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माई मैथ पीरियड हम देख रहे थे सेवन चैप्टर फ्रैक्शंस एंड लास्ट पीरियड आई गिव द होमवर्क इन एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस सेवेंथ ये ओके आई होप आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा उसके बाद हम देख रहे हैं अभी फ्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ओके फ्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन भी यहां पे अगर हम देखते हैं तो फ्रैक्शन कैन ऑल्सो भी यूज टू नेम पार्ट ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ओके सो टू आउट ऑफ थ्री बलून्स ओके टू आउट ऑफ थ्री बलून्स आर ग्रीन टोटल बलून्स आर थ्री एंड टू बलून्स आर ग्रीन वन एंड टू ओके टू बलून्स आर ग्रीन टू थर्ड ऑफ द बलून्स आर ग्रीन द फ्रैक्शन फॉर ग्रीन बलून्स आर टू थर्ड ओके उसको इस तरीके से लिखा जाता है मतलब Two balloons. Okay. Two balloons are green. Then one out of five apples are red. So total apples are five. So one, two, three, four and five. Okay. Total apples are five. But one apple is red. One apple is red. So how to write in a fraction? So one fifth. Okay. One fifth. Total apples are fifth. But one apple is red. द नेक्स्ट इज अ थ्री आउट ऑफ फोर एनिमल्स आर रेबिट्स टोटल एनिमल्स देखिए वन टू थ्री एंड फोर टोटल एनिमल्स आर फोर बट वन टू एंड थ्री थ्री एनिमल्स आर रेबिट थ्री एनिमल्स क्या है रेबिट है सो थ्री फोर्थ ऑफ द एनिमल्स आर रेबिट्स हाउ टू राइट थ्री बाय फोर ओके इसको इस तरीके से लिखा जाता है थ्री बाय फोर क्विक असेसमेंट में देखिए फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट फ्रैक्शन ओके करेक्ट फ्रैक्शन लिखना है ये देखिए हाउ मेनी टोटल फिश वन टू थ्री एंड फोर ओके ऑफ द फिश आर रेड हाउ मेनी फिश आर रेड सो टू फिश आर रेड सो टू बाय फोर ओके टू बाय फोर ऑफ द स्माइल इज हैप्पी फेस हैप्पी फेस कितने देखिए टोटल फेस कितने फाइव है वन टू थ्री फोर एंड फाइव हैप्पी फेस कितने हैं वन टू थ्री ओके ये हैप्पी फेस है सो थ्री बाय फाइव थ्री बाय फाइव ओके नाउ नेक्स्ट टोटल फ्रूट्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऑफ द फ्रूट्स आर बनानाज हाउ मेनी बनानाज टू बनाना सो यू कैन राइट नाउ टू टू बनाना आउट ऑफ फाइव फाइव फ्रूट्स में से टू क्या है बनाना ओके नाउ नेक्स्ट राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस थ्री आउट ऑफ सेवन फ्रूट्स आर ऑरेंजेस तो यहां पे देखिए थ्री ओके थ्री आउट ऑफ सेवन फ्रूट्स आर ऑरेंजेस मतलब थ्री ऑरेंजेस है टोटल सेवन फ्रूट्स है थ्री ऑरेंजेस है सो थ्री बाय सेवन फाइव आउट ऑफ एवरी एट स्टूडेंट्स इन मिसेस शर्मा क्लास आर गर्ल्स ओके तो इसको क्या लिखेंगे फाइव बाय एट फाइव बाय एट थ्री आउट ऑफ एवरी टेन चिल्ड्रेन इन द स्कूल टेक देयर लंच इन द स्कूल कैंटीन ओके मतलब स्कूल की कैंटीन में दस में से तीन बच्चे जो है स्कूल की कैंटीन में लंच करते हैं ओके सो थ्री बाय टेन थ्री बाय टेन देन एटीन आउट ऑफ एवरी ट्वेंटी फाइव चिल्ड्रेन इन द स्कूल आर डे स्कॉलर्स ओके सो एटीन एटीन बाय ट्वेंटी फाइव एटीन बाई ट्वेंटी फाइव इस तरीके से ओके okay? इस क्विक असेसमेंट को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बाद हम देखने वाले हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो इन द फ्रैक्शन इन द फ्रैक्शन फाइव बाय सेवन ओके फाइव बाय सेवन सो फाइव इज अरेटर फाइव इज अरेटर एंड सेवन इज अ डिनोमिनेटर ओके डिनोमिनेटर ओके और ये जो होती है ये जो बार होता है इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन बार ओके इसे कहते हैं फ्रैक्शन बार ध्यान में रखना न्यूमिनेटर क्या होता है डिनोमिनेटर क्या होता है जिसको हम अंश अंश और छेद कहते हैं ओके फाइव इज अ न्यूमिनेटर मतलब बिलो द फ्रैक्शन बार डिनोमिनेटर एंड अब द फ्रैक्शन बार नंबर आर आर कल्ड न्यूमेरेटर ओके मतलब इस लाइन के ऊपर जो पार्ट होता है वो न्यूमेरेटर होता है और इस लाइन के नीचे जो पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर ओके okay? इसी के ऊपर आपको एक एक्सरसाइज यहाँ पे बताई गई है राइट द न्यूमेरेटर एन एंड द डिनोमिनेटर डी फॉर द फॉलोइंग फैक्शन ओके तो आपको सबसे पहले न्यूमिरेटर लिखना है और उसके बाद डिनोमिनेटर लिखना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए डी डी क्या है इसमें डी मतलब डिनोमिनेटर और एन मतलब न्यूमिरेटर ओके okay. अभी पहले मैंने डी लिख लिया इसलिए डी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे थ्री डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर क्या है तो न्यूमेरेटर है टू ओके यहाँ पे देखिए न्यूमेरेटर क्या है न्यूमरेटर वन और डिनोमिनेटर क्या है सो फाइव ओके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो ये एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है उसके बाद देखिए राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन ओके फ्रैक्शन लिखना है आपको मतलब न्यूमरेटर ऊपर ही होना चाहिए ओके अबो द फ्रैक्शन बार इट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड बिलो द फ्रैक्शन बार इट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर सो वन बाय थ्री न्यूमरेटर वन एंड डिनोमिनेटर थ्री बी देखिए फोर बाय सेवन ओके फोर बाय सेवन उसके बाद थ्री बाय एट थ्री बाय एट तो बाकी तीन एग्जाम्पल आपको यहां पे सॉल्व करने हैं मतलब डी e, okay? नूम, ई और एफ ओके उसके बाद देखिए राइट द फ्रैक्शन विथ न्यूमेरेटर्स थ्री फाइव एंड नाइन एंड डिनोमिनेटर सेवन बहुत ही सिंपल है ये आपकी न्यूमेरेटर है डिनोमिनेटर ओनली वन है ओके okay? मतलब थ्री बाय सेवनटीन ओके okay? फाइव बाय सेवेंटीन तो ये आपको यहां पे लिखना है नाइन बाय सेवेंटीन ओके उसके बाद देखिए ऑब्जर्व द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल ओके ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फिगर है हाउ मेनी पार्ट टू पार्ट ओनली ओके सो फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट सो वन एंड हाफ ओके वन बाय टू मतलब टू पार्ट है वन पार्ट कलर किया गया है इसका न्यूमरेटर क्या होगा वन और डिनोमिनेटर क्या है टू टोटल पार्ट देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके टोटल सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शन बार देते हैं टोटल पार्ट है सिक्स शेडेड पार्ट कितने वन टू एंड थ्री सो थ्री बाय सिक्स थ्री बाय सिक्स न्यूमरेटर क्या है थ्री और डिनोमिनेटर क्या है सिक्स ओके okay. ये बात ध्यान में रखना है और ये आपको सॉल्व करना है अभी ठीक है उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्विक असेसमेंट की तरफ और वो है अ फ्रैक्शन अ डिवीजन न्यूमरल ओके फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ डिवीजन न्यूमरल लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स ओके 1 by 5 fraction यहाँ पे बताया गया है टोटल पार्ट आर फाइव वन टू थ्री फोर एंड पार्ट इज शेडेड डिवीजन न्यूमरल में अगर देखते हैं तो और यहाँ पे अगर देखते हैं तो थ्री बाय फोर द डिवीजन न्यूमरल थ्री डिवाइड बाई फोर इंडिकेट दैट थ्री ऑरेंजेस आउट ऑफ फोर ऑरेंजेस आर टेकन द फ्रैक्शन

वन बाय सेवन ओके डिवीजन फैक्ट को आप देख सकते हो उसके बाद है टू बाय सेवन टू बाय सेवन राइट डिवीजन फैक्ट फॉर ईच फ्रैक्शन गिवन बिलो डिवीजन फैक्ट लिखना है तो डिवीजन फैक्ट कैसे लिखते हैं ये देखिए वन बाय फोर इसके अपोजिट है पूरा ओके सो नाइन डिवाइड बाय थर्टीन थ्री डिवाइड बाय सेवन ओके okay. तो ये दो आप लिख सकते हैं उसके बाद हम जा रहे हैं यूजिंग डिवीजन टू फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए होल ओके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए होल अभी ये जो है डिवीजन टू फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए होल ओके तो सबसे पहले देखिए

टू थर्ड मतलब तीन में से दो जो पार्ट है मतलब नाइन अगर यहाँ पे हम देखते हैं ओके okay, तो इतने बॉल्स उसने अपने ब्रदर को दिए हैं अपने भाई को दिए हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए तो इसको इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ओके okay? मतलब थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड टू थ्री ज़ा सिक्स टू थ्री जा सिक्स इस तरीके से ओके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थ्री थ्री झा नाइन एंड टू थ्री झा सिक्स ओके ऐसे एग्जांपल्स आपको और आगे देखने को मिलेंगे अब यहां पे देखिए ये बताया गया कि वन बाय थ्री ऑफ नाइन इज नाइन डिवाइड बाय थ्री एंड राइट डायरेक्टली वन बाय थ्री ओके वन बाय थ्री ऑफ नाइन सो थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री वन जा थ्री थ्री बाय फोर ऑफ सिक्सटीन आप यहाँ पे हम करके देख सकते हैं थ्री बाय फोर ऑफ सिक्सटीन ओके थ्री बाय फोर ऑफ सिक्सटीन तो देखिए फोर का टेबल सिक्सटीन आने तक आपको बोलना है सो फोर फोर जा सिक्सटीन फोर फोर जा सिक्सटीन दोनों कट हो गए ओके okay. वन जा फोर एंड फोर फोर जा सिक्सटीन सो थ्री फोर जा 3 फोर जा ट तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है एक सेल्फ प्रैक्टिस सेवन सी जो है मैं आपके लिए दे रहा हूं और यहां से यहाँ के दो एग्जाम्पल और यहाँ के दो एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं ओके तो वो कैसे करते हैं देखिए सबसे पहला है वन बाई टू ऑफ एट ओके वन बाय टू ऑफ एट ओके तो टू का टेबल एट आने तक बोलते हैं तो क्या होता है टू फोर जा एट टू फोर जा एट एंड फोर वन जा फोर ओके मतलब आपको क्या मिला है फोर ओके okay. मतलब टू पार्ट अगर करते हैं टोटल पेंसिल एट है टू पार्ट अगर करते हैं तो वन पार्ट में कितने आते फोर पेंसिल ओके वैसे ही टू बाई थर्ड टू बाई थर्ड ऑफ नाइन ओके फिर से थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड थ्री टू जा सिक्स ओके मतलब नाइन के हम अगर थ्री पार्ट करते हैं तो वन टू पार्ट में कितने आएंगे ओके okay? यहाँ पे देखिए वन टू थ्री थ्री पार्ट हो गए वन पार्ट में थ्री है तो टू पार्ट में कितने आएंगे थ्री प्लस थ्री सिक्स तो आपका आंसर है सिक्स ओके okay? मतलब यहाँ पे आपका आंसर होगा सिक्स अभी यहाँ पे देखिए फाइंड थ्री बाई फोर ऑफ ट्वेंटी थ्री बाई फोर ऑफ ट्वेंटी फोर का टेबल आपको बोलना है ट्वेंटी आने तक मतलब फोर फाइव 20. ट्वेंटी okay? ओके और थ्री का टेबल बोलना है फाइव टाइम सो थ्री फाइवज़ा फिफ्टीन ओके थ्री फाइव फिफ्टीन ये यह आपका यहाँ का आंसर होगा ओके तो बाकी आपको सॉल्व करने हैं ओके तीन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है बाकी आपको सॉल्व करना है उसके बाद हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस जो है ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं ओके तो आज हम रुकेंगे यहीं पे गुड बाय Take care.